श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रुतिस्मृतिपुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ओम भद्रं कर्णे शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरंगैः सुष्ठुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति 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 ही। सो वी हैव सीन यस्टरडे सिक्स ऑप्शंस ऑफ समथिंग बीइंग बॉर्न, राइट? सो ऑल द सिक्स आर रूल्ड आउट। सो स्वतः, दैट इज फ्रॉम इटसेल्फ, नथिंग इज बॉर्न फ्रॉम इटसेल्फ, नथिंग कैन बी बॉर्न फ्रॉम द अदर, नॉर उभयतः, और फ्रॉम सत, फ्रॉम असत, और फ्रॉम सद असत। द सिक्स ऑप्शंस आर रूल्ड आउट एंड नाउ द अनदर थॉट इज टेकन अप, सेज हेतुर्न जायते नादेहे फलं चापि स्वभावतः आदिर्न विद्यते यस्य तस्य हि आदिर्न विद्यते। हेतुर्न जायते नादेः फलं चापि स्वभावतः आदिर्न विद्यते यस्य तस्य यादिर्न विद्यते। नाउ सी, हेतुहु दैट इज कॉज। नाउ द क्वेश्चन इज, नो, लिसन वेरी केयरफुली। तो आप अभी तक, आप माने पूर्व पक्षी को, सिद्धांती कहते हैं, देखो अभी तक आप ये कहते आए हो कि अनादि है, कार्य कारण अनादि, कारण भी अनादि, कार्य भी अनादि, बट द क्वेश्चन इज द वेरी एफर्ट दैट यू आर पुटिंग टू प्रूव दैट दिस इज बिगिनिंगलेस एंड द कॉज इज बिगिनिंगलेस, effect is beginningless, the very effort that you are wanted to establish, actually that itself indicates that you are supporting ajatiwada. That is what is beautifully told. Now see, hetur na jayate, hetur na jayate anadehe,
See, from the beginningless, how can a cause be born? Anadi. Anadi means beginningless. आपको जरा सोचना पड़ेगा इस पर. इफ बिगिनिंगलेस इज देयर, अनादि इज देयर, हाउ कैन फ्रॉम दैट. सी व्हाट इज हैपनिंग, शरीर एंड धर्म, यू टेक फॉर एग्जांपल, दैट एग्जांपल वाज टेकन, धर्म एंड शरीर. धर्म से ही शरीर, फिर शरीर से धर्म हम करते हैं, और धर्म से फिर शरीर का उत्पादन, और शरीर से फिर धर्म करते हैं. तो ऐसा शरीर और धर्म अनादि रूप में चलते आए हैं, है ना. अभी देखिए इसका मतलब क्या है. Yesterday, I mean, sometime also we saw that from the cause, the effect is born, and the effect itself becomes the cause for future effect. All that was condemned. Now the thought is, the question is, how come a cause be born from anadi? Anadi means beginningless. Some vastu is there. It is anadi. It is, when it is anadi, means there is actually, there is that vastu is not born, itself is not born. Anadi माने वो क्या है, जिसका कोई कारण नहीं है. अनादि वस्तु का मतलब क्या है, जिसका कोई कारण नहीं है, वही अनादि है. अच्छा, तो जिसका मान अनादि का कोई कारण नहीं है, इसका मतलब अनादि एक कार्य नहीं होता किसी कारण का, है ना. तो इफ अनादि का ही की भी कोई कारण नहीं है, इसीलिए जिसको अनादि कहते हैं, माने जिसका कोई कारण नहीं, इसका कारण है अनादि का, इसका मतलब ये अनादि नहीं आदि हो गया. एक वस्तु है, ये अनादि है. अनादि माने इसका, जिसका आदि नहीं है. इसका आदि नहीं है माने जिसका कोई कारण नहीं है. यदि आप उसको कारण कहते हैं, कारण है इसका, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो आदिमत हो गया, है ना. तो अनादि का मतलब क्या है, बिगिनिंगलेस. तो जो आदिमत है, तो आदिमत हो गया, तो अनादि से, अनादि माने जिसका कोई कारण नहीं है, माने ये अनादि वस्तु जो है वो भी जिसके, किसी का एक कार्य नहीं है, उसको कहते हैं अनादि. तो देखिए, हेतुर न जायते अनादेहे, वो खुद अनादि है, माने कोई कार्य नहीं हुआ, जिसका कारण नहीं है, उससे भी जो और कोई कार्य का उत्पन्न भी नहीं होता, उसी को कहते हैं अनादि, जिसका कारण भी नहीं है और जिससे कोई कार्य भी नहीं निकलता. यदि कार्य हो गया हो तो इसमें परिवर्तन आ गया. परिवर्तन माने नया जन्म. नया जन्म माने आदिमत. जब आदिवान बन गया, आदिमान बन गया, तो इसका मतलब क्या है, वो तो हो गया अनादि नहीं रहा, आदिमत हो गए. सो अनादि वस्तु आप जब कहते हैं, अनादि का मतलब क्या है, अनुत्पन्न वस्तु. वास्तव में क्या है, अनुत्पन्न माने, अनुत्पन्न माने जिसका कोई कारण नहीं है, इसलिए ये उत्पन्न नहीं हुआ. और किसी वस्तु से जिसका जन्म नहीं हुआ हो, और जिससे भी और कोई किसी वस्तु का जन्म नहीं होता, कार्य रूप में परिणित नहीं होता, तो अनादि है, वन आदि नहीं है जिसका, और खुद का आदि नहीं. देर वो ऐसा वस्तु के बारे में जब कहते हैं, हाँ, जिसका कारण भी नहीं है, जिसका कार्य भी नहीं है, तो अभी बोलो, ऐसा जो वस्तु है जिसका कारण भी नहीं मानते, उसका कार्य भी नहीं होगा, इसका मतलब वो वस्तु वास्तव में अजाति है. यदि वस्तु आप कहते हैं है,
अब ये एक वस्तु है, है इसका साबित करने से माने इसका वस्तु अस्तित्व है। जब कोई भी वस्तु को आप अस्तित्व प्रदान करते हैं इसका मतलब इसका कारण होना ही होना। वाओ, ठीक है। तो आप जिसको अनादि कहते हैं वो वस्तु है माने कारण होना चाहिए। आप वस्तु साबित कर दिया तो इसका कारण क्या है? कारण होगा, बिना कारण कार्य तो आप मानते नहीं, यही बोलते हैं आचार्य। तो फर्स्ट वन क्या है? अनादेहे आदिरहितात फलात हेतु न जायते, माने फ्रॉम ए बिगिनिंगलेस दैट इज अनादि, एफेक्ट दैट इज कॉज इज नेवर बॉर्न, वो खुद अनादि है। अनादि वस्तु माने क्या है? जिसमें जो परिवर्तन नहीं है, जिसका कोई कारण नहीं है, जिससे कोई कार्य निकलता नहीं। अब देखो उसमें जो कुछ और निकल गया, परिणित होकर बदलकर और कुछ बन गया तो अनादि नहीं रहा, है कि नहीं? उसमें आदिमत आ गया। दैट्स वे अनादेहे आदिरहितात फलात हेतु हो न जायते। आदिर पहलात माने ये अनादि को ही आप फल कहेंगे, क्योंकि ये धर्म और शरीर, धर्म शरीर, धर्म और शरीर, शरीर से धर्म, धर्म से शरीर, फिर शरीर से धर्म। आप और धर्म को भी अनादि कह रहे हो, शरीर को भी अनादि कहते हो, और दूसरी तरह आप इसकी परंपरा भी जारी रखना चाहते हो, और दूसरे और भी बोलता बताते हैं कि धर्म से शरीर का उत्पादन हुआ, उत्पन्न हुआ, शरीर से फिर धर्म करते हैं, फिर उसी धर्म से फिर शरीर उत्पादन हुआ, ऐसा इस सीक्वेंस को मानते भी है। और एक और मानते हैं ये वास्तव है ऐसा भी मानते हैं, ये सच है ऐसा भी मानते हैं, और दूसरे ओर से बताते हैं कि ये धर्म भी अनादि है, शरीर भी अनादि है। तो अनादि का मतलब क्या है? अनुत्पन्न वस्तु। सो आप जिसको अनादि कहते हैं उससे कोई कार्य का माने इफेक्ट या फल का उदय होना असंभव, व्यक्त होना असंभव, निकालना, निकल कर आना, ये ऐसा नहीं होगा। अंडरस्टूड? अच्छा, और तो देखिए आचार्य कहते अनादेहे आदिरहितात् फलात् हेतुः न जायते, नहीं अनुत्पन्नात् अनादेहे फलात् हेतोः जन्म इष्यते त्वया। और दूसरी बात है, आप भी पूर्व पक्षी, आप भी हाँ, नहीं अनुत्पन्नात् अनादेहे फलात् हेतोः, फलात् हेतोः जन्म इष्यते त्वया। अब आप भी, यू ऑल्सो डू नॉट एक्चुअली मीन दैट फ्रॉम ए बिगिनिंगलेस एफेक्ट, माने अनादि कार्य, कार्य क्योंकि अनादि कार्य माने शरीर से धर्म, धर्म से शरीर। अब एक दोनों को अनादि कहते हैं, तो एक अनादि को कार्य कहते हैं, एक अनादि को कारण बन गया। देखिए शरीर के दृष्टिया धर्म अनादि कारण बनाते हो धर्म को, और धर्म के दृष्टिया शरीर को आप अनादि कारण बना दे बता देते हैं। एक कार्य बन गया, एक कारण बन गया, और दोनों अनादि को कहते हैं, अनादि कहते हैं दोनों को। एक धर्म हो गया धर्म से शरीर। अय्या भैया, शरीर के दृष्टिया धर्म क्या होता है? अब पीछे देखा तो कारण बन गया, आगे वाले देखा आने वाले उसी को कार्य बना दिया आपने, क्योंकि शरीर का कारण क्या है? धर्म। और शरीर से क्या निकलता है? फिर धर्म करते हैं। तो अभी बताओ धर्म कारण हुआ या क्या कार्य हुआ? तो आप धर्म को अनादि कहते हैं, तो एक तरह के धर्म शरीर के इस ओर का धर्म को कहते हैं कार्य, पीछे ओर का जो आगे वाले जो इसी जो पहले ही निकला हुआ धर्म उसको कहते हैं कारण। तो इसीलिए अनादि फल और अनादि कारण ऐसा हो गया, इसीलिए कहते हैं अनुत्पन्नात् अनादेहे फलात्। देखिए अनादि फल से, अनादि फल से माने आप एक दृष्टि से फल बन गया, फल बना दिया किसको? एक को। दूसरी दृष्टि से दूसरे को कारण बना दिया। समझ में आया कि नहीं?
तो आप अनादि है पल, अनादि किस लिए कहा, क्योंकि ये जारी है परंपरा, इसलिए हम अनादि कहते हैं। तो अनादि का मतलब ही गलत है आपके विचार में, जिसको आप अनादि वो तो गलत है, क्यों? अनादि माने जिसका आदि नहीं है। सो आप भी क्या है, बिना कारण। देखिए, यू ऑल्सो डोंट एक्चुअली मीन फ्रॉम ए बिगिनिंगलेस इफेक्ट त्वया अनुत्पन्नात अनादि फलाद जन्म नहिष्यते त्वया। यू ऑल्सो डोंट लाइक, ऐसा जन्म को नहीं मानते हैं बिना कारण। आप भी बिना कारण के बिना देख नहीं, जन्म को नहीं मानते हैं। और अनादि से, अनादि का मतलब क्या है, जिसका कारण नहीं है, जिससे और कुछ नहीं निकलता, वही है अनादि। और आप भी मानते हैं कारण के बिना किसी का जन्म नहीं होता, तो अब क्या हो गया, फलम चा आदिरहितात् अनादेः हेतोः अजात स्वभावतः एव निर्निमित्त जायत इति न अभ्युपगम्यते। और आप कहोगे दूसरे क्या, ये तो नेचुरली होता है स्वभावतः, माने ये फलम जो है इफेक्ट, वॉट एवर इज इफेक्ट इज देयर, दैट ऑल्सो गेट्स बर्थ नेचुरली स्वभावतः, बाई नेचुरली दैट बर्थ टेक्स प्लेस विदाउट एनी रीजन, दैट फ्रॉम एन अननोन कॉज, दैट कॉज विच इज बिगिनिंगलेस, फ्रॉम दैट बिगिनिंगलेस विदाउट एनी what you call effect, without anything, naturally the effect is born from the beginningless cause, that also absurdity, it is not possible. So from the beginningless cause, how the effect has come? No, naturally it is born, uska swabhav hi hai, that also is not accepted. So therefore tasmad अनादित्वम अभ्युपगच्छतात्वया हेतुफलयोः अजन्म एव अभ्युपगम्यते। देयरफोर एक्चुअली यू आर एडमिटिंग, वी आर वेरी मच एडमिटिंग दैट अजन्म, अजाति मीनिंग बर्थलेसनेस ऑफ बोथ द कॉज एंड एफेक्ट। इस आप प्रयास बहुत कर रहे हैं इसको साबित करने के लिए कि ये अनादि अनादि है, फल भी अनादि, कारण भी अनादि, कार्य भी अनादि। इसी आप मेहनत में क्या साबित कर रहे हैं अपने आप क्या कर रहे हैं, अजातिवाद को ही समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि अनादि से किसी का जन्म नहीं होता, अनादि किसी का कार्य नहीं बनता, माने अनादि का कारण नहीं होता, अनादि और किसी का कारण नहीं बन सकता, अनादि माने अनुत्पन्न, तो अनुत्पन्न वस्तु के बारे में आप ऐसा कहना गलत है। तो यू आर एक्चुअली एक्सेप्टिंग दैट that cause and effect are birthless by saying that they are anadi. What exactly you are proving is that they are anadi only, meaning birthless. You are supporting our theory of ajatiwad. So bas itna hi hai, yeturna jayate anadehe palam chaapi sabhavataha adirna vijyate yasya tasya yad. So jiska adi hi nahi hai और वो और किसी आदि, किसी को का आदि नहीं बनता, जिसका आदि नहीं है, जिसका कारण नहीं है, जिसका ही कारण नहीं है और वो और दूसरे का कारण बनेगा, ये भी गलत है। तो इसीलिए तो आप अल्टीमेटली सिद्धांत क्या है, सिद्धांत है कि ये ऐसा कहना भी गलत है, क्योंकि अनादि से एक कार्य निकला, अनादि से फल निकला, अनादि का कारण है। When you are trying to prove the beginningless, the birthlessness of cause and effect, when you are trying to prove, actually you are establishing that the cause is neither born, neither cause is born, nor effect is born. That is what you are proving without your knowledge. So actually from the beginningless entity, beginningless, nothing is born. यस्मात् आदि कारणम न विद्यते यस्य लोके तस्य ही आदि पूर्वोक्ता जाति न। देयरफोर इन दिस वर्ल्ड एनीथिंग फॉर विच ए कॉज डज नॉट एग्जिस्ट, अनादि मीन्स इट हैज नो कॉज, सो फॉर विच एनीथिंग फॉर विच ए कॉज, इट्स कॉज डज नॉट एग्जिस्ट, फॉर दैट थिंग कैन नॉट एग्जिस्ट ए बिगिनिंग ऑल्सो, मीनिंग इट कैन नॉट बिकम ए बिगिनिंग फॉर समथिंग एल्स, इज इट नॉट? Therefore means what? Nothing is born. माने फिर देन दिखाई पड़ रहा है, पड़ सकता है, मगर इसका कोई कारण नहीं है, इसे कोई इफेक्ट नहीं है,
दिखाई पड़ रहा है, दिखने दो, ये तो ब्रह्म है। तो प्रतीत काल में वी हैव सीन, इट इज ऑल सीन ओनली ड्यूरिंग प्रतीत काल। जिस समय देखना होता है तभी दिखता है। जब आप देख नहीं रहे हैं तब उसका अस्तित्व नहीं है, वो भी प्रतीति माने अपीयरेंस, प्रतीत हो रहा है कि कुछ है। सी सो कारणवत एव ही आदि ही अभ्युपगम्यते न अकारणवत, बिकॉज बर्थ इज ऑलवेज एडमिटेड फॉर ए थिंग दैट हैज ए कॉज एंड नॉट फॉर ए कॉजलेस वन। जो किसी का जन्म हुआ माने वी हैव टू एडमिट देयर इज अ कॉज। अब आप बोलते हो कि किसी का जन्म हुआ उसका कारण नहीं है, ये नहीं हो सकता। जन्म हुआ इसका मतलब कारण होना चाहिए। समझ में आ गया? ये किसका आर्ग्यूमेंट है? मीमांसक, कर्मकांडी मीमांसक, तो वो तो धर्म वेद को मानने वाला है, धर्म और शरीर को मानने वाला है। तो वो कहते हैं कि देखिए धर्म और शरीर के बीच में कार्य कारण संबंध है। मैम हम लोग मानते हैं कि इट कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। आप जैसे आप बताया कि धर्म और शरीर के बीच में कार्य कारण संबंध का एस्टैब्लिश करना मुश्किल है, हम मानते हैं, बिकॉज धर्म और शरीर लगातार हो रहा है। अब इसमें क्या कौन किसका कारण होगा, बीज और अंकुर, इन दोनों में क्या कारण है और क्या कार्य है, ये बताना मुश्किल है। शरीर और धर्म, तो शरीर का पहला शरीर हुआ कारण के रूप में या धर्म हुआ कारण के रूप में, तो ये पहली प्रश्न ही गलत है। तो वी कैनॉट पिन पॉइंट एक्चुअली विच इज द कॉज। सो हमारे लिए बट क्या है, हेतु इज धर्म और कार्य इज शरीर, और धर्म को ही हम हेतु को ही अनादि कहते हैं। धर्म अनादि, धर्म अनादि, इसका फल भी अनादि हम मानते हैं। देखिए तो देयरफोर कार्य एंड कारण आर बॉर्न, वी आर दे आर बॉर्न अकॉर्डिंग टू, बिकॉज दैट इज अवर सिद्धांत। सो कार्य एंड कर्म हमारा तो अनादि है, दे आर नॉट बॉर्न। सो नो सिद्धांत से देयरफोर व्हाट वी सॉ ऑलरेडी दैट कार्य कारण संबंध में समथिंग इज नथिंग इज बॉर्न फ्रॉम ए अनादि, इट इज नॉट पॉसिबल। दिस इज हाउ आचार्य हैज कंडेम्ड। तो इफ यू से बार बार दैट द कॉज एंड इफेक्ट आर बिगिनिंगलेस बिगिनिंगलेस, दैट मीन्स यू शुड एक्सेप्ट दैट नाइदर कॉज इज बॉर्न नॉर effect is born, because from the beginningless nothing is born. Dekhiye so what is mean by anadi, anadi ka matlab kya hai, anutpann mane it has not born from something else, therefore it cannot give something any other effect with something else. Okay, therefore तो क्या करना चाहिए, इसीलिए व्हाट इज दैट, जैसे है वही नित्य है, रहने दो। तो इसमें कार्य कारण मान का मान कर, इसलिए ना एक ज्ञानी क्या करता है, आप देखिए साधक का और एक लक्षण है क्या है ना, ये कारण और कार्य का ढूंढना वो बंद कर देता है हमेशा के लिए। हर चीज कुछ भी हो जाए तो हम पूछते इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ बताओ। अरे ये अजीब सा बात है, ये
सब कार्य है ना, वॉट एवर इज हैपनिंग, जो कार्य है कि नहीं, इफेक्ट है ना, इफेक्ट ऑफ सम कॉज, ठीक है, जो हो रहा है और कोई एक कारण का कार्य ही है, अच्छा ठीक है मानते हैं, चलो ठीक है मान। अब देखिए, अब सभी कार्य के बारे में हम नहीं पूछते हैं, कोई बच्चा जन्म हुआ तो ऐसा क्यों जन्म हुआ, इसका पूछते हैं क्या, इसका क्यों जन्म हुआ बताओ, इसका जन्म क्यों हुआ, नहीं पूछते। कोई मर गया तो पूछते हैं ये क्यों मर गया हो, अरे जब वो जन्म हुआ जन्म लिया तब पूछे क्या क्यों जन्म लिया, पागल है कि नहीं है, तो ये भी यही नहीं पूछते, वो पूछते हैं। देखिए दुनिया में मेरे ख्याल में मेरे अभिप्राय है, ये मेरा अभिप्राय, आप इसको खंडन कर सकते हैं कोई बात नहीं, मेरा अभिप्राय यही है कि इस जगत में शायद जितने भी वेदांत पढ़ रहे हैं, वेदांत अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उनमें से हर एक हजार में एक आदमी हो सकता है जो वेदांत को सही ढंग से समझा हो सकता है, हजार में एक, ये गणना भी गलत हो सकती है क्योंकि हजार में एक भी बड़ा बड़ी संख्या है, ये नंबर बड़ी है। अच्छा, ये बाकी जो लोग हैं 9999 लोग जो होते हैं 999 पीपल, मैं बताऊं हमारे हिसाब से वेदांत का हम क्या करते हैं, हाँ, जिसको हम पसंद करते हैं उसको समर्थन देना, जिसको हम पसंद नहीं करते उसको खंडन करना, और इस दोनों को ये दोनों करने के लिए वेदांत का सहारा लेकर कुतर्क के रूप में यही काम करते रहना, यही एक बड़ा आदत बन गया वेदांतियों का, जान खान खुल के सुनना आप इस बात को। तो वेदांत जो शास्त्र है, इस शास्त्र को मैं किस तरह से प्रयोग कर रहा हूं, उपयोग कर रहा हूं, जो मुझे पसंद है उसको समर्थन देने के लिए, जो मुझे पसंद नहीं है उसको खंडन करने के लिए। कौन सा शास्त्र है भाई आपके पास, वेदांत। इस तरह से अपने आप को धोखा दे आए हैं, दे रहे हैं। मैं आपके सामने बता दिया, पेश किया कि नहीं कुछ देर पहले, किसी का जन्म हुआ नहीं पूछते कि इसका जन्म क्यों हुआ, किसी का मृत्यु हो गई तो हम पूछते कि इसका मृत्यु क्यों हुई, जो स्वस्थ है ऐसा नहीं पूछता कि हम क्यों स्वस्थ है, बीमार पड़ गए तो पूछते कि क्यों बीमार पड़ गए, जब सुखी सुखी रहते हैं सुख में ये नहीं पूछते कि क्यों सुख हुआ, हम सुखी क्यों रह रहे हैं, इतना आनंद क्यों मिलता है हमको, ये नहीं पूछते। एक बार दुखी हो गए पूछते कि भगवान ने कष्ट हमको क्यों किया, अरे भगवान ने इतना किया आप पूछे क्या, भगवान ने मेरे को खाना क्यों दिया, भगवान ने पराठा क्यों दिया, भगवान ने चाय क्यों पिलाया, भगवान ने ऐसा क्यों रखा मैंने आज को, आज हमें स्वस्थ रखा है, ये नहीं पूछते। और हम अपने आप को कहते हैं वेदांती लोग, ये वेदांत सही उपयोग किया तो आदमी पहुंच जाएगा ऊपर, न तो उसी वेदांत को कुतर्क के रूप में संभाल कर प्रयोग करके अपने आप स्वनाश करने के लिए एक बड़ा आयुध बन जाता है हाथ में। तो वेदांत का मतलब क्या है, जो हमको पसंद है उसको समर्थन देने के लिए,
काम आएगा, जो हमें पसंद नहीं है उसको खंडन करने के लिए भी काम आएगा। बस वेदांत को इस तरफ भी घुमा सकते हैं, उस तरफ भी घुमा सकता हूं मैं, जैसे हम चाहें उसको घुमा लो और स्वार्थी बनो और जियो। और सबसे अच्छा क्या है, बेहतरीन बात कि आदमी खुद को धोखा देते हुए और अपने आप के बारे में समझते हैं कि बड़ा ज्ञानी हूं। सही है कि नहीं? तो वेदांती एक साधक का भी इस श्लोक में हमको क्या करना चाहिए, ये कार्य कारण संबंध भी मिथ्या है, इसलिए न कारण को ढूंढना न कार्य को ढूंढना, जैसा है वैसा रहने दो, अब जो करना है आप करो। बस। और सबसे अच्छा ये प्रश्न करना चाहिए था हम सबको, उठाते नहीं हम। कौन सा प्रश्न? प्रश्न कौन सी, मेरा जन्म किस लिए हुआ, हुआ तो मैं जन्म किस लिए लिया हूं जन्म, ये प्रश्न नहीं पूछते क्या? रोने के लिए, लड़ने के लिए? ये अजीब सा लगता है लोग, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग जो वेदांत पढ़ते हैं, बस ये भी एक मोह जाल है, ना समझने वाले जितने भी हैं वो अपने आप जैसे हम वैसे वो वे समझना चाहते हैं वैसे ही समझ कर अपने आप को धोखा देते हैं। क्लियर? देखो कार्य कारण संबंध अनादि भी, ये भी गलत है। तो करना क्या है हमको जीवन में, मतलब हर चीज को कारण मत ढूंढना, जो हो रहा है होने दो, जो करना आप करो। ठंड बढ़ गई क्यों बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई क्यों बढ़ गई, इरिटेटिंग है, इरिटेटिंग क्वेश्चंस एंड इरिटेट अदर्स ऑल्सो। और जो होगा होने दो। इस तरह से जिए तो साधना बन गया, और जीना मुश्किल है ऐसा, क्योंकि हम सुबह से लेकर के रात तक यही प्रश्न हर बेकार में प्रश्न करते रहते हैं। अच्छा, इसमें कोई सीखने की बात है? कुछ भी नहीं है, आक्षेप पूर्वक प्रश्न उठाते रहते हैं, आक्षेप पूर्वक। समझ में आए आपको बात? आजकल हिंदी बेहतरीन हो गई मेरी, जब भी खबरदार। आपको और परेशान करूंगा हिंदी में। अब इंग्लिश इज बेटर स्वामी, द स्कोल्डिंग वुड हैव बीन बेटर। अभी हिंदी में कूब डाल रहे, हिंदी इंग्लिश में एटलीस्ट यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टेलिंग समटाइम्स, द बेटर ब्लेसिंग। अभी मातृभाषा में डांट रहे हैं, अब डांट हमको तुरंत समझ में आ जाती है। मांडव की समझ में आया ना आए वो अलग बात है। उक्तस्य अर्थस्य उक्तस्यैव अर्थस्य दृढ़ीकरण चिकीर्षया पुनराक्षिपति। नो अनदर ऑब्जेक्शन इज रेज्ड, पुनः आक्षिपति। व्हाट एक्चुअली टू अगेन टू ऑर्डर, आई मीन इट इज अगेन इन ऑर्डर टू एम्फसाइज व्हाट हैज ऑलरेडी बीन टोल्ड, यू नो, टू एम्फसाइज इट अनदर क्वेश्चन इज आस्क्ड, दैट इज द ब्यूटी। अनदर क्वेश्चन, दैट इज 24 श्लोक। ये है विज्ञानवादी और बाह्यार्थवादी। पहला मीमांसा को खंडन किया अभी, तो जो बोलते हैं कार्य भी अनादि कारण भी अनादि, उसको तो पहला हो गया। अभी ये देखिए, ये जरा ध्यान से सुनना, इसका भी अच्छा प्रश्न है ये। तो
लेट्स सी द श्लोक फर्स्ट. प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्वम् अन्यथा द्वयनाशतः संक्लेशस्योपलब्धेश्च परतन्त्रास्तितामता. प्रज्ञप्ते स निमित्तत्वम् अन्यथा द्वयनाशतः संक्लेशस्योपलब्धेश्च परतंत्रास्तितामता. अब दिस इज क्वेश्चन नाउ, ये समर्थन करने के लिए. नाउ वेरी वेरी केयरफुल लिसन नाउ. यहां पे दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, दिस इज फ्रॉम विज्ञानवादी और बाह्यार्थवादी. तो इन दोनों मतों के लिए नो परस्पर म्यूचुअली दे आर ब्रॉट टुगेदर एंड म्यूचुअली वी शो दैट बोथ आर रॉन्ग एंड दस वी कंडेम बोथ द थियरीज, विज्ञानवाद एंड बाह्यार्थवादी. इस श्लोक में ठीक है. सो व्हेन दिस बोथ आर कंडेम्ड देन अजाति वाद सिद्ध हो जाता है. इट इज अजातिवाद इज प्रूव्ड द नथिंग इज बॉर्न. नो हियर प्रज्ञप्ति, प्रज्ञप्ति मीन्स नॉलेज, नॉलेज दैट इज परसेप्शन ऑफ साउंड एटसेट्रा एटसेट्रा. प्रज्ञप्ति प्रज्ञानम प्रज्ञप्ति. अब ना प्रश्न क्या है, नो लिसन टू मी वेरी केयरफुल. Knowledge has to be accepted as a vishay. See, listen to me very carefully. Don't refer the book. What is knowledge? Knowledge is, the Purvapakshi says, knowledge is impartial, impersonal. Knowledge is pure. It illumines. Jnanam yasya tu chakshuradhikarana dvara bahispandate. What is that knowledge? Is just it illumines. Jo padarth hai samne pradipayati. Pradipti. प्रदीप, प्रदीप यति मीनि नॉलेज इल्यूमिन्स. ओके, नाउ नॉलेज इट हैज टू बी एक्सेप्टेड एज स विषय, मानना ही पड़ेगा. पूर्व पक्ष सेज व्हाई, बिकॉज इफ नॉलेज इज नॉट एक्सेप्टेड एज डिपेंडिंग ऑन निमित्त, स निमित्त, निमित्त व्हाट इज दैट, वस्तु. ये वस्तु फॉर एग्जांपल दिस इज अ लिड, ये द ऑब्जेक्ट वस्तु. अब देखिए, आई गॉट द नॉलेज ऑफ द लिड, है ना, LID लिड, नॉलेज ऑफ द लिड. नाउ व्हाट इज निमित्त मींस इन्वर्टेड कॉमास, in gaining the knowledge of the lid, object only, lid only, lid is there, therefore I got the knowledge of the lid. If the lid is not there, I will not have the knowledge of the lid. Knowledge of the lid will not be there, but knowledge is there. So knowledge is like a light rays. In the dark room, various objects are kept. The light just illumines the objects.
When the light illumined the object, that my light, my knowledge, like a rays within me, from me, it illumined all the objects. When all the objects are illumined, then I get the knowledge of each and every object. This is the table, this is the chair, this is the cot, this is the table lamp, etc., etc., etc. Bed sheet, pillow, blanket, carpet, all the objects are illumined. I focused. Now, then I got the knowledge. Knowledge of the vastus, objects. So what is nimitta in that knowledge? Vastu only nimitta ban gaya. The vastu is not there. I will not have the knowledge of that particular vastu. I can't illumine. Number one. Number two. Because objects are different from each other, different objects are there, objects are different from each other, I got the knowledge of all the objects separately. Is it not? Knowledge of carpet is independent of the knowledge of blanket, blanket is independent, knowledge of blanket is independent of table, knowledge of table is independent of knowledge of kursi. Alag 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 jnan hua. Hai ki nahi? Vividh jnan hua. Now, jnan mein vividhita, the variety in knowledge, vaichitriya. Is not possible had there been no variety in the objects. Is it not? Objects are different, therefore I got the knowledge of different objects. If objects are not there, I don't get any. So what is nimitta? Bahya vastu. Therefore knowledge, pure knowledge is not taking place. It is always sa nimitta. Prajnapti mane bahya knowledge, vastu. And knowledge is always sa nimitta. Not pure knowledge of shuddha knowledge. That is a different issue. Brahma jnana is different. So, therefore, the very fact that I am having the knowledge of multiple objects, therefore, I must accept the presence of multiplicity. So, ajatiwad kahan se hua? Because knowledge is different for you. Aap isko manna hi padega aapko, ki aapko alag alag jnan ho raha hai. Yadi vastu bilkul nahi hai, तो अलग अलग ज्ञान कहां से हो सकता है आपको? तो ऐसा अलग अलग का ज्ञान का अनुभव नहीं होना चाहिए यदि वस्तु अनेक नहीं है. तो वस्तु अनेक नहीं है तो ज्ञान होना असंभव. सो ज्ञान इज वैचित्र्य. देयरफॉर इसलिए हाँ, शास्त्र में दिया गया शास्त्रांतर प्रसिद्ध बाहर वस्तु को आप स्वीकार करना ही पड़ेगा. बाहर वस्तुओं का अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि आपका अनुभव जो है ज्ञान का अनुभव कि आप अलग अलग ज्ञान हो रहा है, आपका अनुभव ही बताते हैं कि वस्तु है बाहरी वस्तु अनेक है, एक दूसरे से अलग है, इसलिए अलग अलग ज्ञान हुआ आपको हो रहा है. इसका मतलब अलग अलग ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब अलग अलग बाह्य वस्तु है. तो यह साबित करता है आपका अलग अलग प्रकार के ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब अलग अलग प्रकार के वस्तु बाह्य जगत में है, यही प्रमाण है. तो आप अजातिवाद कैसे कह सकते हैं? यदि अजाति है तो ये ज्ञान के बारे में क्या बताते हैं आप?
वैचित्र ज्ञान हो रहा है। चित्र वैचित्र माने वेराइटी इन नॉलेज, इसके बारे में बताइए। तो ये सारा श्लोक में पूर्व पक्षी अपना सिद्धांत प्रकट करता है। तो आप इस पर आप जरा बताइए, ये कैसे हो सकता है? आप इसको हम कल देखेंगे। आप इतना तक समझ में आ गया ना? तो फिर हम आगे विल डिस्कस नेक्स्ट द होल भाष्य। सो वेर इज अजा, सो हाउ यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन? दिस नॉलेज इज देयर, सो यू हैव टू एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। दैट इज अ क्वेश्चन। तो ऐसे ही चलेगा हमारा मांडुक्य, आप जल्दी करने से नहीं होगा। सो वी विल सी टुमारो, अभी आगे क्या करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।